आप इस वीडियो के दौरान जीकेएम एजीसी 8.8.2 वर्जन 4.0 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस जीकेएम के साथ जो है नया कलर मिक्स यूआई को ऐड किया गया है, लाइका मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अलग अलग फीचर्स को ऐड किया गया है, तो वीडियो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम एजीसी 8.8.2 वर्जन 4.0 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है तो एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14 के साथ काम कर जाएगा। स्नैपड्रैगन एक्सिनोस मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। रियलमी, शाओमी, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2 सभी के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट के साथ जीकेएम एजीसी 8.8.2 के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है नया वाला जो है मल्टीपल लेंस का जो यूआई है देने को मिलेगा। कुछ इस तरह से इस अपडेट के साथ नया वाला जो यूजर इंटरफेस है ऐड किया गया है, पर बटन्स का जो आइकॉन इसमें थोड़ा सा चेंजेस देने को मिल गया है। कुछ इस तरह से ये पर यूजर इंटरफेस के ऊपर ऑक्सिलरी कैमरा का जो यूजर इंटरफेस है इसमें जो है चेंजेस देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कलर मिक्स यूआई के ऊपर जो नया जो फीचर से ऐड किया गया है पर लुमिनस करके जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पहले ये दोनों ऑप्शन देने को मिलता था, अभी फिलहाल लुमिनस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एचडीआर मोड के ऊपर जो है एचडीआर एनहांस मोड के साथ फ्रेम का जो नंबर है उसमें कुछ इशू देने को मिल रहा था, उसे फिक्स किया गया है। फिलहाल एचडीआर एनहांस मोड के साथ और एचडीआर एनहांस मोड के साथ जो कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर ब्राइट लाइट के साथ फोटो सेव नहीं हो रहा था, उसे भी फिक्स किया गया है। यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप सिंपली पर मैनुअल फोकस को भी ट्राई करके देख सकते हो। एंड एक चीज हमने नोटिस किया है, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से अगर आप जो स्लाइडर इसे अगर आप इस तरह से स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लाइका मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर लिप पैचर का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का जो ऑपेसिटी उसे आप जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्मूथ इफेक्ट को भी ऐड किया गया है। एनीवे यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस, एचडीआर नेट का ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से पर जूम स्लाइडर को भी ऐड किया गया है। ना पर बात कर लेते हैं पर फोटो सैंपल के बारे में, तो यहाँ पर हम जो है आपके सामने लाइव कुछ फोटोज को क्लिक करने वाले हैं, देखते किस तरह से पर जो क्वालिटी देखने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ। तो हमने यहाँ पर जो है वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो ये जो ऑप्शन है एक्चुअली यहाँ पर वाटरमार्क का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लाइका वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो हमने यहाँ पर वाटरमार्क को एनेबल किया है। नाउ कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पर जो है 4:3 सिलेक्ट कर दिया है। एंड इसके साथ हम कुछ फोटोज को क्लिक करने वाले हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से आप जो है सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हो। एंड अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है हम अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, या सब जो सैचुरेशन को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। हर एक ऑप्शन के लिए जो फीचर्स है अवेलेबल है। एनीवे जैसे कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ओके फन डिवाइस एंड यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। हमने पर कस्टम वाटरमार्क को एनेबल किया है, ऑटो वाइड बैलेंस एंड एचडीआर नेट का जो ऑप्शन से हमने यहाँ पर एनेबल किया है। प्लस एचडीआर पोजिशन इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पोजिशनिंग के दौरान जो है आप मल्टीपल लेंस में स्विच नहीं कर सकते। और कुछ फोटोज को क्लिक करके देखते हैं, एंड ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी है काफ़ी फास्ट है। अभी फिलहाल जो कलर मिक्स है इसे हम सिंपली बंद करते हैं, एंड यहाँ पर जो कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन है इसे भी हम सिंपली यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वाटरमार्क को बंद कर दिया है। प्लस लाइका मोड का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर एनेबल किया है। प्लस 16:9 के साथ कुछ फोटोज को क्लिक करके देखते हैं, एंड यहाँ पर एचडीआर मोड काफ़ी बड़ी तरह से काम कर रहा है, बहुत ही फास्ट जो है फोटोज को क्लिक कर सकते हो एंड मल्टीपल फोटोज को क्लिक कर पाओगे। प्लस यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली जीकेएम से फोटो वीडियो को शेयर कर सकते हो। प्लस इस तरह से जो है यहाँ पर 1x एंड 2x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से आप जो है फोटोज को क्लिक कर पाओगे। अगर बात करें यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं, तो इस तरह से इस ऑप्शन में टैप करके आप जो फ्रंट कैमरा में स्विच कर सकते हो। या फिर फ्रंट कैमरा के साथ जो है सेल्फी का ऑप्शन है एंड फेस रिटचिंग को एनेबल कर सकते हो। टाइमर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। जल्दी से कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं, यहाँ पर फ्रंट कैमरा का जो क्वालिटी है बढ़िया है। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी कुछ फोटोज को क्लिक करके देखते हैं,
तो हमने यहाँ पर जो मल्टीपल फोटोज को क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमने जो है वाइड एंगल लेंस को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर वाइड एंगल लेंस के साथ भी कुछ फोटोज को हम यहाँ पर जल्दी से क्लिक करके देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है क्वालिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप जो है मल्टीपल लेंस को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मतलब मल्टीपल लेंस में स्विच कर सकते हो, यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस, हर एक ऑप्शन में स्विच कर पाओगे। एनीवे एंड सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन, यहाँ से आप जो है पिक्सल 8 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है, जो UI है, उसे आप जो एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर सेव लोकेशन कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो, गोल्डन सजेशन का ऑप्शन है, सोशल शेयर गेसेस का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, टाइमर लाइट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, HDR नेट का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग, डिले आफ्टर फोकस, मोशन फोटोज का ऑप्शन है, GPG क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, एंड यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का ऑप्शन है, OIS का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन है, कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर ISO स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर फोकस स्लाइडर का ऑप्शन है, कलर मिक्स UI का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सेव सेल्फी साइज प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम करते हैं, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, EIS OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। एनीवे इस तरह से पर्चे एपर्चर बटन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नाइट साइड मोड के ऊपर एस्ट्रो फोटोग्राफी, टाइमर का ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फुल HD 4K प्लस ऑटो FPS 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन है, स्लो मोशन टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पैनोरामा फोटो एक्सपर मोड का ऑप्शन है। अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो तो ये जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वर्टिकल वाइड एंगल एंड हॉरिजॉन्टल फोटोज को क्लिक कर सकते हो, प्लस यहाँ पर पैनोरामा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, वर्टिकल फोटोज क्लिक करने के लिए ये जो पैनोरामा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं पर फोटो सैंपल के बारे में, देख सकते हो इस फोटो को हमने यहाँ पर जो है वाटरमार्क को एनेबल करके क्लिक किया है, कुछ इस तरह से वाटरमार्क देने को मिलेगा GCam AGC 8.8 के साथ। फोटोज के ऊपर जो डिटेल से काफी बढ़िया है, यहाँ पर काफी हद तक जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, क्लोज टू एक्यूरेट कलर के साथ जो फोटोज क्लिक कर सकते हो, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड भी काम करता है। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। फोटो के ऊपर जो डिटेल्स है काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो हमने यहाँ पर 16:9 करके जो लाइका मोड है, लाइका मोड को एनेबल करने के बाद इस फोटोज को क्लिक किया है, फोटो के ऊपर जो डिटेल्स है बढ़िया है, एंड यहाँ पर HDR मोड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा, एंड काफ़ी हद तक जो है लाइका मोड को एनेबल करने के बाद सिनेमेटिक लुक देखने को मिलेगा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। ओवरऑल जो फोटो का जो क्वालिटी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर फोटो के ऊपर डिटेल्स काफ़ी बढ़िया है, एंड यहाँ पर सिनेमेटिक लुक भी देने को मिलेगा, एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट कैमरे की अगर बात करें, फ्रंट कैमरे के ऊपर जो डिटेल्स है बढ़िया है, एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरे के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड भी काम करता है, नेचुरल ब्लर देने को मिलेगा, यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस भी काम कर जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर आउटडोर में जाके और भी कुछ फोटोज को क्लिक किया है GCam के साथ। सबसे पहले इस GCam के साथ जो है पर काफ़ी हद तक जो है आप एक्यूरेट कलर के साथ फोटोज को क्लिक कर पाओगे, प्लस फोटोज के ऊपर जो काफ़ी बढ़िया डिटेल्स देने को मिलेगा, एंड फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, पर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, देख सकते हो फोटोज के ऊपर काफ़ी बढ़िया डिटेल्स देने को मिलेगा, यहाँ पर मेन लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस, सभी लेंस के ऊपर जो नॉइस को रिड्यूस किया गया है, काफ़ी कम नॉइस देने को मिलेगा, एंड यहाँ पर नेचुरल लुकिंग फोटोज को क्लिक कर सकते हो, इवन जूम करने के बाद भी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलता है, प्लस यहाँ पर कलर, हाईलाइट एंड शेडो के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया जो आप वाइब्रेंट कलर के साथ भी फोटोज क्लिक कर सकते हो, प्लस यहाँ पर ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा, देख सकते हो ये जो फोटो है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर नेचुरल ब्लर देखने को मिलेगा, बेटर कलर विथ बेटर डिटेल्स देने को मिलेगा कम नॉइस के साथ, एंड ये जो GCam का जो बिल्ड है इस गूगल कैमरा को आप एज ए
डेली ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हो। परफेक्ट जीकैम का बिल्ड है, ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर चुके, सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा एंड कोई भी ग्रीन रिंग का जो इशू हमने यहाँ पर फेस नहीं किया है। पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सेल्फी हो जाए, सभी के साथ जो बढ़िया बढ़िया फोटोज को क्लिक कर सकते हो। पर एस्ट्रो मोड भी काम कर जाएगा, यहाँ पर नाइट सेट मोड भी काम करेगा, एक्सलेंट डिटेल्स के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, प्लस EIS OS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके किसी भी डिवाइस के ऊपर इस जीकैम को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।